बेस्ट पार्ट मुझे ये लगी यहाँ पे कि देखो ये जो शेड बना है ना, ये भी बना है सोलर पैनल के ऊपर, तो सोलर एनर्जी को ये मतलब वो इफेक्ट करती है जो भी है। मतलब यहाँ से चलो था मुंबई पुणे, तो सेकंड टाइम यहाँ पे आया, सेकंड या थर्ड टाइम आया हूँ मैं यहाँ पे। तो मैम अगर आप मेरे वीडियो देख रहे हो बाई चांस, तो थैंक यू सो मच एंड आई होप आई व्यू चाहे आपके साथ और भी ट्रस्ट करने का मौका मिले मुझे। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। सुबह के बज गए 8 एंड 4 सुबह को टाइम का कि रोनक भाई चलो जाते हैं मंदिर, लेकिन एक्चुअली मैं सोया था, मैंने फ़ोन उठाया नहीं, मुझे फ़ोन आया था तो पता नहीं अब वो फ़ोन कब बजा कब नहीं। सुबह को 4:30 बजे फ़ोन आया था उनका, तो अभी जाता हूँ फ्रेश हो जाता हूँ फटाफट, क्योंकि फिर क्लाइंट का वापस कभी भी फ़ोन आ सकता है, फिर वापस जाना पड़ेगा मुंबई के लिए। तो चलो निकलते हैं, फ्रेश हो जाते हैं मतलब। तो फ्रेश हो गया हूँ, मुँह धोने आया हूँ, वॉशरूम जाके आया हूँ, अभी मुझे कपड़े चेंज करना है। मैं नहा नहीं सकता, मेरे पास मेरा बनाने की व्यवस्था नहीं है। एंड अभी मैंने लैपटॉप चालू कर दिया है एंड जो गोपुर में जो फोटेजेस है ना मेरे यहाँ पे, तो वो मैंने डाल दिया है यहाँ से इसमें ट्रांसफ़र करने के लिए, क्योंकि 128 GB का कार्ड है तो तकरीबन 7 घंटा रिकॉर्ड होता है 1080p पे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो सारा डेटा ट्रांसफर हो जाएगा एंड अप्रॉक्सीमेट डेटा कितना है, 80 GB का डेटा इसके अंदर आने वाला है अभी। तो ये है अपना मटर साला डोसा, नाश्ते के लिए अपने आगे वापस सेम होटल में सिल्वर ओक में। तो आज हम सोचे ये पे नाश्ता करता हूँ, भाई बाहर नहीं जाना है। चलो भाई, क्लाइंट का फ़ोन आ गया, उन्होंने बोला कि आप गाड़ी ऊपर लेके आ जाओ एंड फिर निकलना है। तो गाड़ी ऊपर ले लेता हूँ फटाफट, सामान डाल देते गाड़ी में, लोडिंग करवा लेते भाई। सामान लोड हो चुके गाड़ी में एंड अभी थोड़ा गाड़ी देखो कांच खोलता हूँ ना भाई, तो बहुत मिट्टी आती, बहुत मिट्टी। एनीवे गाइस, अभी निकलने का है यहाँ से, शायद मुंबई के लिए डायरेक्टली जा रहे हम लोग। अब मुझे पता नहीं है उनका और क्या प्लान है, क्योंकि कल वो बात कर रहे थे कि हम लोग शायद यहाँ से पहले जाएंगे टू महाबलेश्वर एंड उसके बाद जाएंगे मुंबई। अब क्या प्लान है वो कैसे बनता है पता नहीं है, तो क्लाइंट को आने दो फिर देखते हैं भाई। अभी हम लोग हैं ना अभी सातारा, देखो वहाँ पे गाड़ी पार्क किया है यहाँ पे क्लाइंट से एंड यहाँ से मैंने थोड़े पेड़े लिए हैं, सातारा के जो फेमस पेड़े आते हैं ना वो पेड़े लिए हैं एंड यहाँ से थोड़ा मिक्सचर भी लिया है मैंने घर के लिए, प्लस यहाँ पे थोड़े मसाले हैं तो वो सोच रहा हूँ मैं लूँ कि नहीं, समझ में मुझे आता नहीं कुछ ज़्यादा। बट मैं बात करूँगा पंकिता से अभी एंड मैं पूछ रहा हूँ कौन से टाइप के मसाले चाहिए यहाँ पे, भाई बहुत सारे फ्लेवर हैं इनके पास भाई। अभी प्लान ऐसा है कि हम लोग यहाँ से अभी जाने वाले हैं महाबलेश्वर, तो वापस थोड़ा घूमेंगे महाबलेश्वर एंड वापस नीचे आएंगे। हाँ मैम, हाँ फेमस है यहाँ पे, और हम लोग ने अप्रॉक्सीमेट 1700-1800 का परचेज किया है यहाँ से। बहुत गर्म हो गई, बहुत बहुत गर्म। दोपहर के बज चुके हैं 2:45 एंड वी हैव कम टू मैप्रो गार्डन। वाई मे वी आर नॉट गोइंग टू महाबलेश्वर, क्योंकि मैडम बोल रही थी यहाँ से ऊपर तक जाने का एंड वही प्रोडक्ट परचेज करने का है, तो वो तो नीचे भी मिलता ही है, और मैंने उनको वही ऑप्शन दिया कि मैम नीचे भी मैप्रो गार्डन है तो आपको ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। तो फाइनली हम लोग अभी नीचे आए हैं, यहाँ पे अच्छी खासी भीड़ है बिकॉज आज संडे है एंड अभी वो गए अंदर, हम मस्त शेड के नीचे बैठे हैं एंड एक बेस्ट पार्ट मुझे ये लगी यहाँ पे कि देखो ये जो शेड बना है ना, ये भी बना है सोलर पैनल के ऊपर, तो सोलर एनर्जी को ये मतलब वो इफेक्ट करती है जो भी है, मतलब आप समझो यार। तो ऊपर है सोलर पैनल और आपको नीचे मस्त छांव में बैठा है, तो एक तीर से दो निशान नहीं, एक हाँ ऐसे कुछ है ना मुहावरा जो भी है यार, आजकल मेरा ध्यान रहता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ उसके ऊपर। तो एनीवे गाइस, अभी प्लान ऐसा है कि यहाँ से हम लोग डायरेक्ट निकल जाएंगे टूवर्ड्स मुंबई, कहीं पे हॉल्ट नहीं करेंगे, हॉल मतलब फिर चाय नाश्ते के लिए वापस रुकेंगे तो रुकेंगे, बाकी हम और कोई डेस्टिनेशन में जाने नहीं वाले हैं। भाई अभी शाम के 5:20 हो चुके हैं एंड देखो मैडम मेरे सामने है, वो लोग परचेज कर रहे हैं फ्रूट्स, ठीक है। अभी यहाँ से जहाँ पे हमको हॉल करना है वो हार्डली यहाँ से तकरीबन 4 किलोमीटर रहेगा, वहाँ पे एक होटल है कृष्णा करके, कृष्णा प्योर वेज, तो आपने शायद पहले भी वीडियो में देखा रहेगा, तो वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे चाय नाश्ता करेंगे, गर्मा गर्म नाश्ता करेंगे एंड उसके बाद वापस निकल जाएंगे टूवर्ड मुंबई, क्योंकि उसके बाद मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे शुरू हो जाएगा एंड वहाँ पे सिर्फ फूड मॉल है, तो शायद किसी को पसंद आए ना भी आए, पता संडे है तो ज़्यादा भीड़ भी रहेगी, तो हम लोग पहले खा लेंगे पेट भर लेंगे फिर निकलेंगे मुंबई जाने के लिए। अभी तो टाइम दिखा रहा है विदाउट ब्रेक 8:30 PM दिखा रहा है, तो ब्रेक लेने के बाद 9:30 PM पे आराम से हो जाएगा। देखो ये अपनी होटल है कृष्णा वेज एंड ये अपना रास्ता खत्म होता है, यहाँ से चालू होता है मुंबई पुणे, तो सेकंड टाइम यहाँ पे आया, सेकंड या थर्ड टाइम आया हूँ मैं यहाँ पे। देखो ये आ गया हमारा छोले भटूरे, ठीक है, और साथ में हमने मंगाया तो प्याज भी आ गया और हमने ये भी मंगाया, क्या मंगाया, पूरी भाजी, और ये आ गया हमारा पूरी भाजी, पूरी भाजी एंड चटनी एंड वापस से आ रहा है क्या बूंदी। 3 hours later भाई रात के बज गए 9:45 एंड क्लाइंट को जस्ट ड्रॉप किया मैंने कहाँ पे, कांदिवली ईस्ट
एंड भाई अभी बहुत ट्रैफिक मिलने वाला है। कहाँ पे? एक जंक्शन है यहाँ पे हाईवे पकड़ने के लिए भाई, वो एक ही रूट जाए और कोई रूट ही नहीं जाने के लिए भाई, और बहुत ट्रैफिक मिलता है। अभी आया ना तो मेरा हम लोग कम से कम 20 से 25 मिनट वहाँ पे हम लोग को रुकना पड़ा था भाई, इतना ट्रैफिक जाम है। हाँ अभी फटाफट घर पे जाना है क्योंकि यश एंड मेरी बहन दिनीता दोनों आए हैं। एक्चुअली उनको निकलना है वापस सांता क्रूज जाने के लिए, जैसा कल कॉलेज है एंड मेरी जो बहन है ना वो टीचर है, तो उनको कल जाके बच्चों को पढ़ाई भी करवानी है। तो मेरे को सामान लेके आया हूँ स्पेशली फ्रॉम कोल्हापुर एंड ऑल, तो उनको देना भी है मेरे को, तो फटाफट जाता हूँ घर पे एंड फिर वो भी अपने घर पे जा सकने के लिए। मतलब डैडी बैठे हैं ऑलरेडी मेरे लिए, कब के वेट कर रहे हैं। मैंने पहले उनको टाइम दिया 6:30, देखो आ भी गया उसका फोन। तो क्या मैं घर पर आ चुका हूँ एंड आज का ट्रिप बहुत सही था, क्लाइंट बहुत सही थे, भले बहुत सीनियर सिटीजन थे पर बहुत मस्ती मजाती है एंड बहुत सही है, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट किया मेरे को। तो मैम अगर आप मेरे वीडियो देख रहे हो बाई चांस तो थैंक यू सो मच एंड आई होप आई हैव ताकि आपके साथ और भी ट्रिप करने का मौका मिले मुझे। मैं अभी एक्चुअली डिशो भी सही है तो मैं उसको उठा नहीं पाऊँगा, तो आज के लोग हम यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिए एंड वन मोर थिंग गाइस, कोल्हापुर में बहुत लोगों ने मुझे ना DM किया था एंड बहुत लोगों ने मुझे मेल किया था, तब जब मैंने कोल्हापुर छोड़ दिया मैं मुंबई के लिए आया था थी कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ आप कहाँ पे हो, तो आप शायद एक्टिव नहीं रहोगे इंस्टाग्राम पे या शायद मैंने अच्छे से आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दी हो कि मैं कहाँ पे था। बट एनीवेज गाइस, नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको एक दिन पहले इफ पॉसिबल तो मैं आपको कहाँ पे जाना वाला, मैं आपको उसका अभी दे दूँ इंस्टाग्राम पे। अगर आप एक्टिव हो तो ठीक है, आप आके मुझे मिल सकते हो। तो गाइस चलो आज ब्लॉग में यही एंड करते हैं। अगर आपको मेरा आज वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।